आज के फनकार। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार जी को कहते हैं। पास रहें या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है। गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की। सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी, दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया। वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई।
वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे। मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रही। मैं तुझे पुकारूं सनम 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 सनम, मैं तुझे पुकारूं सनम 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 सनम, मैं तेरे लिए हूँ तेरी कसम तेरी कसम। फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपनी मोहब्बत का इजहार हीरे की अंगूठी देकर किया था। सुरैया के लिए भी ये फिल्म यादगार थी। जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना चाहूँगा। सन 1948 में देवानंद की फिल्म विद्या में वे देवानंद की नायिका बनी। किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए चले जाएंगे चले जाएंगे, किनारे किनारे चले जाएंगे। सुरैया की आवाज में जहां एक तरफ दर्द है, वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है, सुनिए। जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एसडी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।
घिर आई, घिर घिर आई बदरिया, बोले प्राण पपीहा पिया पिया पिया। जिया शर्माई विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी सुनिए। 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पैक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी। गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया, अपने गाने उन्होंने खुद गाए, उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। के दशक में
एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली फिल्म थी। '63 में सुरैया की आखिरी फिल्म आई रुस्तम सोहराब, जिसमें उन्होंने सज्जाद हुसैन के लिए गाया ये गाना। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। ये दिल का धड़कना, ये नजरों का झुकना, जिगर में जलन सी, ये सांसों का रुकना, खुदा जाने क्या छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। सुरैया ने अलग अलग संगीतकारों के साथ बेहतरीन गाने गाए। उनकी सोधी आवाज रूह तक असर करती है। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हक, मुझे करार नहीं, के साथ अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में गाया उनका ये गाना सुनिए। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पल के, भीनी भीनी खुशबू के सावर चल के। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पल के, भीनी भीनी खुशबू के सावर चल के। चोरी चोरी आई है बहार की,
लाल भगत राम के संगीत निर्देशन में सुरैया का ये गीत। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया है। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया है। तेरे नैनों ने चोरी किया का। नौशाद ने जब अपनी शास्त्रीय शैली को छोड़कर बनाया बिल्कुल मॉडर्न गाना तो उसे गाया मोहम्मद रफी और सुरैया ने। दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का? कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में। सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम मोहम्मद। मन धीरे धीरे गाए रे, मन धीरे धीरे गाए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, बिन गाए रहा न जाए रे, बिन गाए रहा न जाए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों। एक बात जबां पर आए रे, एक बात जबां पर आए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, कहते हुए दिल शर्माए रे, कहते हुए दिल शर्माए रे, सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका दर्द। कोई ना
के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी माने गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार। मौसम चाहे बदले जमाना, हमारा आपका साथ पुराना। नए जमाने के गाने हो या भूले बिसरे गीत, कव्वाली, गजल, भजन हो या हो लोकगीत, प्रसिद्ध हस्तियों से बातें मुलाकातें करवाती विविध भारती, शौर्य की बातें बताती, नाटक के माध्यम से कहानी सुनाती विविध भारती।